करनाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करने के लिए राज्य मंत्री करणदेव कंबोज भाजपा प्रत्याशी संजय भाटिया के साथ सोमवार को इंद्री के गांव इंदरगढ़ में वोट की अपील करने के लिए पहुंचे। ब्लॉक समिति के चेयरपर्सन कुसुम कंबोज के पति ऋषिपाल कंबोज व गांव के सरपंच राजेश ने मंत्री करणदेव कंबोज व संजय भाटिया की पगड़ी पहनाकर स्वागत किया तथा ग्रामीणों का वोट उन्हें दिलाने का भरोसा दिलाया। भाजपा नेताओं ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर भाजपा की नीतियों पर वोट देने की अपील की। आपका कैमरा भी देख रहा है, प्रत्येक गांव में हम दो दो घंटे देरी से जा रहे हैं और पूरा का पूरा गांव जहां भी हम बैठक करते हैं चौपाल में सारा और बड़े अच्छे मन से इकट्ठा होता है और सब बहुत मान और सम्मान और आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं करनाल का और यहाँ के लोगों का एहसान उतार नहीं सकता। क्षेत्र के लिए करनाल क्षेत्र पहले से ही बहुत जागरूक क्षेत्र है, ये बहुत भाईचारे का प्रतीक क्षेत्र है, बहुत लोग अफेक्शनेट हैं। विकास, सड़क, नाली, जो बेसिक्स एमिनिटीज़ हैं, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके साथ काम करते करते एक करनाल की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो और हमारे गांव यहां पर मॉडर्नाइज हो, उसके ऊपर मैं काम करूंगा और यहां का भाईचारा एक मिसाल बने, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा ताकि हम सब मिलकर गांव का समग्र विकास कर सकें। गांव से जो पलायन यूथ का एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, एजुकेशन के चक्कर में, हेल्थ सर्विसेज के चक्कर में शहरों में होता है, ऐसा ना हो और हमारा ये लोकसभा क्षेत्र ग्रीन और क्लीन बने, इसके ऊपर मैं काम करूँगा। जिस प्रकार से गांव के अंदर एक जनसलाइव उमड़ करके आता है सभी कार्यक्रमों में, उससे तो यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज चुनाव जो है ना एक तरफ हो चुका है और 90% से भी ज़्यादा लोग आज भारतीय जनता पार्टी को जो है ना वोट देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। और अब तो सिर्फ जो है ना एक कंपटीशन हमारे पूरी लोकसभा में है कि किस विधानसभा से कौन ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जितवाता है, किसका नंबर प्रथम आता है, सिर्फ ये कंपटीशन जो है ना सारी विधानसभाओं, 9 के 9 विधानसभाओं में ये बना हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंद्री से हम सबसे ज़्यादा वोटों से पूरी लोकसभा में, सारी लोकसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जितवा करके भाई संजय भाटिया जी को यहाँ से जितवा करके और एक कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता यहाँ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी समाज का समग्र विकास करने में विश्वास रखती है और सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कभी भी समाज को बांटने का काम ना तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी पहले किया है ना कभी करेगी। जो समाज को बांटने वाले लोग हैं आज उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और लोगों का सामना करते हुए आज वो लोग डर रहे हैं। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए यस टीवी के साथ।